कई सालों से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं के पास वो पल आ गया है। सबके हाथ में नियुक्ति पत्र है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुल 182-183 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। असिस्टेंट टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल, स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर और पाइपलाइन इंस्पेक्टर, ये सब बने हैं। आप लोग सब एक ही में आए हैं? हाँ, हम लोग सभी एक ही मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ही हम लोग। मोटर वे MBI पे तो बहुत सारे दाग भी लगते हैं, आप लोग उसके बारे में सोचा है कभी? सर, उसी को सुधारने का प्रयास करेंगे हम लोग, क्योंकि एक तो दबाव रहेगा सरकार का कि भाई राजस्व भी आप लोग ला के दीजिए, दूसरा दबाव रहेगा कि नीट एंड फेयर भी दिखिए। तो आप लोग कैसे मतलब इस दोनों के बीच में ईमानदारी से इसी को बैलेंस करने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा। ताकि दोनों तरफ से सरकार का भी काम हो जाए और जो विधि व्यवस्था भी बना रहे, दाग भी ना लगे। कितने साल से इंतजार कर रहे हैं? सर, मैं तो तैयारी 6 साल से कर रहा था। अच्छा। और काफ़ी उत्साह था कि कब MBI का पोस्ट आया और इसे ज्वाइन करूँ। और जो अभी श्री हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से पूरा हो पाया है। MBI जो लास्ट मतलब ये जो वैकेंसी आई इसकी, हाँ, तो आप लोग कभी सोचे थे कि मतलब बस यही बनना है या फिर कुछ और भी सोचा था? MBI वाला निकला तो हमने भर दिया। नहीं नहीं, और भी एग्जाम का हमने प्रिपरेशन किया था, लेकिन ये सबसे मैकेनिकल के लिए सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है, इसलिए हम लोग इसको प्रीफर किए हैं। अच्छा, आप लोग 2015 वाले में थे कि इधर जो हुआ उस 2015 वाले में फॉर्म फिलअप करने में उसमें हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस मांगा था, तो पर ये हेमंत सरकार आके इस वैकेंसी में LMB मांगा कि नेसेसरी होगा आपको LMB, तो इसलिए हम लोग जैसे बहुत सारे लड़का LMB लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस के कारण भर सके, नहीं तो HMB मांगता ना, तो फिर वही प्रॉब्लम होती जो 2015 में हुई थी। 2015 में ऐसे ये वैकेंसी वैकेंट रह गई थी, स्टूडेंट नहीं मिल पाया कि HMB आम स्टूडेंट के पास कहाँ से HMB रहेगी, तो वो हेमंत सरकार को इसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक यू कि ये अपना संशोधन अच्छा से किए इस प्रक्रिया में और बहुत ही जल्द कराने का प्रयास किए, तो इसलिए बहुत बहुत थैंक यू हेमंत सरकार सर को। आप लोग कभी पर सोचे आप लोग का पार्टिसिपेशन, आपका एक्ट जो होगा उससे पब्लिक खुश या नाराज होगी? सरकार कहेगी कि नाराज हो चाहे खुश हो, हमको रेवेन्यू चाहिए, उसको कैसे बैलेंस करिएगा? तो वही तो हमारा मेन काम है, उसी को तो बैलेंस करना है, उसी के लिए हम लोग को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके आधार पे हम लोग आगे फिर जो नीति होगा उसको फॉलो करेंगे और काम करेंगे आगे। आगे MBI का जब ज्वाइनिंग मिला आप लोग का, जब भी योगदान कर लीजिएगा, मतलब अब सेटिस्फेक्शन है कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपके लाखों दोस्त ऐसे ही हैं ये बेरोजगार। हाँ, अभी तो सेटिस्फेक्शन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब हम आखिरी पोस्टिंग तक भी दे देंगे और सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे डिस्ट्रिक्ट में फॉलो कराना है और झारखंड का परिवहन सबसे स्ट्रांग बनाना है। शुक्रिया आप लोगों को, कंग्रेचुलेशन, सबका भविष्य उज्ज्वल में हो। MBI के तौर पर ज्वाइन किए हैं, इनके एक्ट पर रिएक्ट होता है पब्लिक का भी और सरकार का भी, दाग से भी बचाना है, सरकार को राजस्व भी देना है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। Follow-up.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.